स्वागत है आपका मंथली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं प्रश्न। दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण का संचालन कहाँ शुरू हुआ? ए राजकोट, बी मुंद्रा, सी सूरत, डी गांधीनगर। आंसर बी मुंद्रा। एक्सप्लेनेशन: गौतम अदानी के नेतृत्व वाले समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का पहला चरण शुरू किया। इस सुविधा के पहले चरण में 0.5 मिलियन मीट्रिक टन परिष्कृत तांबे का उत्पादन किया जाएगा। ये संयंत्र वित्त वर्ष 2029 तक अपनी पूर्ण क्षमता 1 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। भारत तेजी से तांबे का उत्पादन बढ़ा रहा है, जो जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु है। अगला प्रश्न: बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ए जर्मनी, बी इटली, सी नॉर्वे, डी फ्रांस। आंसर डी फ्रांस। एक्सप्लेनेशन: फ्रांस की संसद के निचले सदन ने एक विधेयक पारित किया है जो बालों की बनावट, लंबाई, रंग या शैली पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाएगा। यह विधेयक श्रम संहिता में मौजूदा भेदभाव विरोधी उपायों में संशोधन करेगा। यह विधेयक काले लोगों का समर्थन करेगा जिन्हें अपने बालों के कारण कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न: हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किग्रा युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता? ए ऋषभ सिंह, बी अजय राठी, सी विनय, डी अतुल कुमार। आंसर सी विनय। एक्सप्लेनेशन: मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के विनय ने 59 किग्रा युवा वर्ग में 120 किग्रा का भार उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 18 वर्षीय एथलीट विनय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। वहीं इसी इवेंट में मिस्र के अहमद अब्देल कादर ने रजत पदक हासिल किया। अगला प्रश्न: हाल ही में किस देश में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है? ए चीन, बी जापान, सी रूस, डी फिलिस्तीन। आंसर ए चीन। एक्सप्लेनेशन: चीन में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है। पिछले साल 7.68 मिलियन जोड़े शादी के बंधन में बंधे, जो 2022 की तुलना में 12.4% की वृद्धि है। शंघाई और जियांगसू, हुनान और अनहुई सहित कई प्रांतों से बढ़ती विवाह पंजीकरण देखे गए हैं। आवास की ऊंची कीमतें, बच्चों की देखभाल के बढ़ते खर्च और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण माहौल के कारण चीन में युवा व्यक्तियों का विवाह करने का उत्साह लगातार कम हो रहा है। अगला प्रश्न: हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? ए पाकिस्तान, बी मालदीव, सी भूटान, डी श्रीलंका। आंसर सी भूटान। एक्सप्लेनेशन: भारत भूटान को अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भूटान की यात्रा के पहले दिन कल थिम्पू में ये घोषणा की। प्रधानमंत्री ने भूटान नेतृत्व को आश्वासन दिया कि भारत भूटान के साथ खड़ा रहेगा और दोनों देश आपसी संपर्क, आधारभूत अवसंरचना, व्यापार और ऊर्जा उद्योग क्षेत्रों में अधिक सहयोग की संभावनाओं की खोज करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और कृषि क्षेत्र में समझौतों और रेल संपर्क संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में लिया? ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी बैंक ऑफ इंग्लैंड। आंसर ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन: भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। प्रारंभ में RBI को मुद्रा नियंत्रक से जिम्मेदारियां विरासत में मिली और उसने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 1 अप्रैल 2024 को 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया। अगला प्रश्न: रोहन बोपन्ना ने 2024 मियामी ओपन में अपनी जीत के साथ कौन सा रिकॉर्ड बनाया? ए ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति, बी ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति, सी सर्वाधिक लगातार ATP मास्टर्स 1000 खिताब, डी ATP मास्टर्स 1000 फाइनल में सर्वाधिक हार। आंसर बी। एक्सप्लेनेशन: रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने 30 मार्च 2024 को मियामी ओपन में पुरुष युगल फाइनल जीता। 44 साल की उम्र में बोपन्ना ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। अगला प्रश्न: हाल ही में सेनेगल का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? ए मैकी सॉल, बी उस्मान सोनको, सी बसिरो डियोमाइफे, डी अमादोबा। आंसर सी बसिरो डियोमाइफे। एक्सप्लेनेशन:
अफ्रीका की सबसे पश्चिमी देश सेनेगल की संवैधानिक परिषद ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बासिरो दियोमाएफे की जीत की पुष्टि की है। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में किस ब्रांड ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? ए पैनासोनिक, बी एडिडास, सी रीबॉक, डी एवरेडी। आंसर डी एवरेडी। एक्सप्लेनेशन, एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मौजूदा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों की भाला फेंक में विश्व नंबर एक नीरज चोपड़ा के साथ साझेदारी की घोषणा की है। अगला प्रश्न, भारत की पहली AI आधारित फिल्म का नाम क्या है? ए नोआ, बी टेक्नोसागा, सी इंद्रधनुषी, डी इरा। आंसर डी इरा। एक्सप्लेनेशन, हाल के दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में काफी चर्चा हो रही है। इस विषय पर बनी पहली हिंदी फिल्म इरा का ट्रेलर और गाना लॉन्च मुंबई में हुआ। फिल्म में रोहित बोस रॉय, राजेश शर्मा, करिश्मा कोटक और रक्षित भंडारी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म IRAH का ट्रेलर AI तकनीक के दुरुपयोग को दर्शाता है, इसके नकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। ये फिल्म 4 अप्रैल को रिलीज हो रही है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलज मरु मध्य में स्थित विवादित द्वीप का क्या नाम है? ए कच्चाथीवु द्वीप, बी लक्षद्वीप, सी मालदीव, डी अंडमान द्वीप समूह। आंसर ए कच्चाथीवु द्वीप। एक्सप्लेनेशन, कच्चाथीवु द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलज मरु मध्य में स्थित 285 एकड़ में फैला एक विवादित द्वीप है। ये द्वीप मछली पालन के लिए अहम स्थान रखता है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस द्वीप पर भारत एवं श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से दावा किया जाता था। वर्ष 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने एक संयुक्त समझौते के माध्यम से कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। शर्त ये थी कि भारतीय मछुआरे यहाँ पर मछलियाँ नहीं पकड़ सकेंगे, इसका इस्तेमाल केवल वे जाल सुखाने और आराम करने के लिए कर सकेंगे, जिसके कारण ये भारत में विवादित मुद्दा बन गया। अगला प्रश्न, उस भारोत्तोलक का क्या नाम है जिसने फुकेट थाईलैंड में IWF विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने के बाद पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? ए कुंजरानी देवी, बी मीराबाई चानू, सी सतीश शिवलिंगम, डी ललिता। आंसर बी मीराबाई चानू। एक्सप्लेनेशन, दो बार की ओलंपियन और टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक का टिकट कटा लिया है। उन्होंने सोमवार को फुकेट IWF विश्व कप में महिलाओं के 49 किग्रा भार वर्ग के ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर रहकर पेरिस ओलंपिक में अपनी जगह सुनिश्चित की। अगला प्रश्न, T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बने हैं? ए ईशान किशन, बी दिनेश कार्तिक, सी MS धोनी, डी ऋषभ पंत। आंसर सी MS धोनी। एक्सप्लेनेशन, महान भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज MS धोनी T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। धोनी ने यह उपलब्धि IPL में दिल्ली कैपिटल्स DC के खिलाफ हासिल की। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक के नाम है, जिन्होंने अभी तक 8578 रन बनाए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां बसंत त्योहार शिग्मो महोत्सव मनाया गया है? ए हरियाणा, बी सिक्किम, सी गुजरात, डी गोवा। आंसर डी गोवा। एक्सप्लेनेशन, शिग्मो महोत्सव भारत के गोवा राज्य में एक रंगीन और जीवंत वसंत ऋतु का उत्सव है। इसे शिग्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और यह हिंदू पौराणिक कथाओं, संगीत, नृत्य और संस्कृति का एक संयोजन है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है? ए मालदीव, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी जापान। आंसर बी भारत। एक्सप्लेनेशन, भारत बना एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंडों का आकर्षण करता। घरेलू खरीदारी 4 वर्ष के उच्चतम स्तर पर मार्च 2024 में विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने भारतीय इक्विटी में $3.63 बिलियन का भारी निवेश किया, जो दिसंबर 2023 के बाद उनकी सबसे बड़ी खरीदारी थी। अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम क्या है? ए जंगनान, बी शंघाई, सी बीजिंग, डी जिजेंग। आंसर ए जंगनान। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जंगनान में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की, जो अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है। हालांकि भारत इन प्रयासों को अस्वीकार करने के लिए दृढ़ है, इस बात पर जोर देते हुए कि कोई भी नाम बदलने से हमारी सीमाओं के भीतर राज्य की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगला प्रश्न, जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास का क्या नाम है?
ए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, बी थंडरबोल्ट अभ्यास, सी गगन शक्ति अभ्यास, डी ऑपरेशन स्काईबोल्ट। आंसर सी गगन शक्ति अभ्यास। एक्सप्लेनेशन, भारतीय वायुसेना 1 अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति आयोजित कर रही है। अगला प्रश्न, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? ए मैंगलोर बंदरगाह, बी पारादीप बंदरगाह, सी कांडला बंदरगाह, डी दीनदयाल बंदरगाह। आंसर बी पारादीप बंदरगाह। एक्सप्लेनेशन, ओडिशा में राज्य के स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। इस मामले में पोर्ट ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ए आर प्रगनानन, बी डी गुकेश, सी विश्वनाथन आनंद, डी अर्जुन एरिगैक्सी। आंसर डी अर्जुन एरिगैक्सी। एक्सप्लेनेशन, भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैक्सी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2756 की मानक रेटिंग के साथ एरिगैक्सी दुनिया में 9वें स्थान पर है। उन्होंने इस मामले में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा है। 5 रैंकिंग में 21 वर्षीय अर्जुन के बाद दूसरे भारतीय रैंकर विश्वनाथन आनंद है। अगला प्रश्न, मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ए जैनिक सिन्हा, बी एंडी मरे, सी कार्लोस अल्काराज, डी ग्रिगोर दिमित्रो। आंसर ए जैनिक सिन्हा। एक्सप्लेनेशन, इतालवी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिन्हा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मियामी ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। सिन्हा ने फाइनल में ग्रिगोर दिमित्रोव को हराया। इसके साथ ही उन्होंने करियर की सर्वश्रेष्ठ नंबर 2 रैंकिंग हासिल कर ली है। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए प्रस्तावित मानक समय का क्या नाम है? ए चंद्र मानक समय LST, बी आकाशीय समय मानक CTS, सी यूनिवर्सल लूनर क्लॉक ULC, डी समन्वित चंद्र समय LTC। एक्सप्लेनेशन, ये निर्देश व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी OSTP के प्रमुख की ओर से आया है, जिसमें नासा को समन्वित चंद्र समय LTC के लिए 2026 के अंत तक एक योजना विकसित करने का निर्देश दिया गया है। चंद्रमा पर अलग अलग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत के कारण वहां समय पृथ्वी के सापेक्ष हर दिन 58.7 माइक्रोसेकंड तेजी से चलता है, जिसका अंतरिक्ष यान को सिंक्रोनाइज करने का प्रयास करते समय महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। अगला प्रश्न, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहां लॉन्च की गई? ए IIT वाराणसी, बी IIT बॉम्बे, सी IIT दिल्ली, डी IIT खड़गपुर। आंसर बी IIT बॉम्बे। एक्सप्लेनेशन, 4 अप्रैल 2024 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च करने के लिए मुंबई का दौरा किया। CAR-T थेरेपी एक अत्याधुनिक दृष्टिकोण है जो कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए रोगी की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ए प्रहार, बी त्रिशूल, सी अग्नि प्राइम, डी नाग। आंसर सी अग्नि प्राइम। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड और DRDO ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट से सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, SFC तथा सशस्त्र बलों को इस टेस्टिंग के लिए बधाई दी है। अग्नि प्राइम 2 स्टेज वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता? ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आंसर डी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महाराष्ट्र की टीम ने क्लीन स्वीप करते हुए पुरुष और महिला दोनों खिताब अपने नाम कर लिया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के कर्नेल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया। विजेता टीम को 3 लाख रुपए नकद और 1 ट्रॉफी मिली। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ए समुद्री सुरक्षा, बी जनजातीय विकास, सी साइबर सुरक्षा, डी बाल शिक्षा। आंसर ए समुद्री सुरक्षा। एक्सप्लेनेशन, भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है।
समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 5 अप्रैल, सी 10 मई, डी 15 जून। आंसर बी 5 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन: इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियस अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में शांति, सद्भाव और नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न: 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ए टाटा टेलीकॉम, बी SJVN लिमिटेड, सी अदानी ग्रीन, डी रिलायंस इंडस्ट्री। आंसर बी SJVN लिमिटेड। एक्सप्लेनेशन: निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में SJVN लिमिटेड ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। SJVN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट अवार्ड और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न: नाटो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के कितने अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है? ए 50 अरब यूरो, बी 100 अरब यूरो, सी 150 अरब यूरो, डी 200 अरब यूरो। आंसर बी 100 अरब यूरो। एक्सप्लेनेशन: उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने एक प्रस्ताव के तहत अपनी मौजूदा नीति में बदलाव करते हुए रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए 5 साल के लिए 100 अरब यूरो का फंड तैयार कर रहा है। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने यह प्रस्ताव रखा है। इससे 32 पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन नाटो यूक्रेन को सहायता देने में सबसे आगे हो जाएगा। नाटो 32 सदस्य देशों, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। अगला प्रश्न: CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता? ए कमल चावला, बी अभय कपूर, सी श्रेयांश सिन्हा, डी पंकज आडवाणी। आंसर डी पंकज आडवाणी। एक्सप्लेनेशन: विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने मुंबई में CCI स्नूकर क्लासिक के दौरान अपना दबदबा कायम रखते हुए टाइटल अपने नाम किया। फाइनल में पंकज ने कमल चावला को 8-3 से हराया। पंकज आडवाणी ने पिछले 2 वर्षों में CCI स्नूकर क्लासिक का खिताब जीता और अब बिलियर्ड्स का खिताब बरकरार रखा है। अगला प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 3 अप्रैल, बी 4 अप्रैल, सी 5 अप्रैल, डी 6 अप्रैल। आंसर बी 4 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन: अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस खदान, लैंडमाइन संबंधी गतिविधियों, मानवता के लिए इनके खतरों और बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार साल 2006 में मनाया गया था। RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? ए 6.00, बी 6.20, सी 6.50, डी 6.75। आंसर सी 6.50। एक्सप्लेनेशन: भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति MPC के फैसले की घोषणा की। RBI ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.50% पर बरकरार रखा गया है। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 बहुमत से नीतिगत दर पर फैसला लिया है। अगला प्रश्न: पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली भारत की पहली महिला के रूप में इतिहास रचने के लिए कौन तैयार है? ए सानिया मिर्जा, बी बिल्किस मीर, सी मैरी कॉम, डी PT उषा। आंसर बी बिल्किस मीर। एक्सप्लेनेशन: जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस, फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह जूरी का सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला भी हैं। अगला प्रश्न: नेशनल मैरिटाइम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 3 अप्रैल, बी 4 अप्रैल, सी 5 अप्रैल, डी 6 अप्रैल। आंसर सी 5 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन: राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरिटाइम डे हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में समुद्री क्षेत्र के महत्व को बताता है। ये दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट है। अगला प्रश्न: काठिया गेहूँ जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आंसर डी उत्तर प्रदेश।
एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि उपज काठिया गेहूं को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस फसल के लिए जीआई टैग का आवेदन साल 2022 में किया गया था। दो साल की लंबी प्रक्रिया के बाद जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में एसोचम के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए संजय नायर, बी प्रकाश कालरा, सी अभय कुमार सिंह, डी आलोक रंजन। आंसर, ए संजय नायर। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष संजय नायर को 2024-25 के लिए एसोचम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह का स्थान लेंगे, जिन्होंने चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। एसोचम एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के कंकाल मिट्टी के बर्तन और जानवरों की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं? ए पट्टाबेट, बी प्रभासपाटन, सी अल्लाबदिनो, डी बलेकत। आंसर, ए पट्टाबेट। एक्सप्लेनेशन, गुजरात के कच्छ शहर में पुरातात्विक खुदाई से 5200 साल पुरानी हड़प्पा कालीन बस्ती का पता चला है। पट्टाबेट नामक स्थानीय टीले से खुदाई में उन्हें एक कंकाल मिट्टी के बर्तन और कुछ जानवरों की हड्डियां मिली हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अल नीनो से प्रेरित सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? ए मलावी, बी जिम्बाब्वे, सी जाम्बिया, डी मोजाम्बिक। आंसर, बी जिम्बाब्वे। एक्सप्लेनेशन, जाम्बिया और मलावी के साथ साथ जिम्बाब्वे ने पूरे दक्षिणी अफ्रीका में भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। राष्ट्रपति एमरसन मनांगागवा ने अल नीनो प्रेरित सूखे का हवाला दिया, जिसके कारण सामान्य से कम वर्षा हुई, जिससे देश का 80% से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में लैंसेट अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी भारत। आंसर, सी भूटान। एक्सप्लेनेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्र में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने जीवन प्रत्याशा में विभिन्न सुधार दिखाए हैं, जिसमें भूटान 13.6 वर्ष की वृद्धि के साथ अग्रणी है। जीवन प्रत्याशा का अर्थ उन अतिरिक्त वर्षों की औसत संख्या का अनुमान है जो एक निश्चित आयु का व्यक्ति जीने की उम्मीद कर सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने उद्योगों के लिए यूरोपीय मानकों को अपनाते हुए नया पर्यावरण कानून पारित किया है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इजराइल। आंसर, डी इजराइल। एक्सप्लेनेशन, इजराइल में नेसेट प्लेन ने उद्योगों के लिए यूरोपीय मानकों को अपनाते हुए एक नया पर्यावरण कानून पारित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सुधार और 820 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। सुधार का उद्देश्य इजराइल को यूरोपीय संघ के पर्यावरण मानकों के अनुरूप बनाना, प्रदूषण और जोखिमों को कम करना है। अगला प्रश्न, भारत में किस कंपनी ने 10,000 मेगावाट से अधिक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल की है? ए एजोर पावर, बी टाटा पावर सोलर, सी अदानी ग्रीन एनर्जी, डी विक्रम सोलर। आंसर, सी अदानी ग्रीन एनर्जी। एक्सप्लेनेशन, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के विशाल खावड़ा सौर पार्क में 2000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी स्थापित की है, जिससे वो 10,000 मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अनुसार करदाता आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न ITR कब दाखिल कर सकते हैं? ए 1 जनवरी 2024 से, बी 1 अप्रैल 2024 से, सी 1 जुलाई 2024 से, डी 1 अक्टूबर 2024 से। आंसर, बी 1 अप्रैल 2024 से। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने करदाताओं को 1 अप्रैल 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की सुविधा दी है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च, बी 7 अप्रैल, सी 1 मई, डी 15 जून। आंसर, बी 7 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, 1948 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1950 से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। अगला प्रश्न, परिवर्तन चिंतन त्री सेवा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों के लिए नए विचार और सुधार उत्पन्न करना, बी सेना के भीतर आंतरिक संघर्षों का समाधान करना, सी सशस्त्र बलों के लिए बजट आवंटन पर चर्चा करें, डी चल रहे सैन्य अभियानों की समीक्षा करें। आंसर, ए संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों के लिए नए विचार और सुधार उत्पन्न करना।
एक्सप्लेनेशन, परिवर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। देश में सशस्त्र बलों के तीनों सेनाओं को मिलाकर एक एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने के प्रयास की पृष्ठभूमि में तीनों सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की बैठक हुई, जिसका उद्देश्य संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों के लिए नए विचारों, पहलों और सुधारों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? ए सऊदी अरब, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी मलेशिया। आंसर, सी न्यूजीलैंड। एक्सप्लेनेशन, न्यूजीलैंड ने पिछले साल रिकॉर्ड प्रवासियों के आने के कारण रोजगार से संबंधित अपने वीजा नियमों को कड़ा कर दिया है। अब न्यूजीलैंड अधिकांश उन नौकरियों के लिए बाहरी लोगों को बुलाएगा जिनके लिए देश में कौशल की कमी है। कम कौशल वाली नौकरियों के लिए भी अंग्रेजी भाषा की जानकारी अनिवार्य कर दिया और ज्यादातर रोजगार वीजाओं के लिए एक न्यूनतम कौशल और अनुभव की सीमा निर्धारित कर दिया गया है। अब कम कुशल प्रवासी एक बार में अधिकतम 3 साल ही न्यूजीलैंड में रह पाएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? ए ओडिशा, बी गुजरात, सी गोवा, डी लक्षद्वीप। आंसर, डी लक्षद्वीप। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास का आयोजन लक्षद्वीप द्वीप समूह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया। कौन सी घटना विक्रम संवत 2081 की शुरुआत का प्रतीक है? ए गुड़ी पड़वा, बी चैत्र शुक्लादि, सी चेटी चंद, डी उगादि। आंसर, बी चैत्र शुक्लादि। एक्सप्लेनेशन, चैत्र शुक्लादि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल का दिन है। ये चैत्र महीने के पहले दिन पड़ता है। चैत्र हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इस दिन देश के विभिन्न राज्यों में गुड़ी पड़वा, उगादि और चैत्र नवरात्रि जैसे महापर्व भी मनाए जाते हैं। इस नए संवत्सर 2081 की शुरुआत मंगलवार से हो रही है, इसलिए मंगल ग्रह ही इस वर्ष का राजा होगा। अगला प्रश्न, भारत ने विदेशी सिख में बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, ये किस देश में है? ए श्रीलंका, बी कतर, सी ईरान, डी म्यांमार। आंसर, डी म्यांमार। एक्सप्लेनेशन, म्यांमार स्थित सितवे बंदरगाह को अब भारत द्वारा संचालित किया जाएगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के बाद ये दूसरा विदेशी पोर्ट है जिसका संचालन भारत करेगा। कालादार नदी पर स्थित इस पोर्ट के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल आईपी जेल के एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने घोषणा की है कि खेलो इंडिया के पदक विजेता अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे? ए अनुराग ठाकुर, बी विजय माथुर, सी अजय सिंह, डी संजय माथुर। आंसर, ए अनुराग ठाकुर। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया के पदक विजेता अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। इन नौकरियों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और विंटर गेम्स के पदक विजेता पात्र होंगे। खेलो इंडिया को भारत सरकार ने साल 2017 में जमीनी स्तर पर बच्चों के साथ जुड़कर भारत में खेल की भावना को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं को शादी के लिए विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है? ए महाराष्ट्र सरकार, बी झारखंड सरकार, सी केरल सरकार, डी गुजरात सरकार। आंसर, बी झारखंड सरकार। एक्सप्लेनेशन, झारखंड सरकार ने हाल ही में विधवा महिलाओं को शादी के लिए विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है, जिसके तहत दोबारा शादी करने के लिए विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत में 7 लोगों को 14 लाख की प्रोत्साहन राशि दी गई है। अगला प्रश्न, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहां विकसित किया जा रहा है? ए खावड़ा गुजरात, बी मुंबई महाराष्ट्र, सी चेन्नई तमिलनाडु, डी जयपुर राजस्थान। आंसर, ए खावड़ा गुजरात। एक्सप्लेनेशन, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के खावड़ा में 30 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रहा है जो 538 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र बनाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 10 अप्रैल, सी 5 मई, डी 15 जून। आंसर, बी 10 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हेनिमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सैमुअल हेनिमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी में हुआ था।
उन्होंने 1796 में होम्योपैथी की खोज की। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? ए 10,000, बी 30,000, सी 40,000, डी 50,000। आंसर डी 50,000। एक्सप्लेनेशन, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा। ये पहला मौका है जब ओलंपिक खेल इवेंट के लिए विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार राशि की घोषणा की है। इसे साल 2028 लॉस एंजल्स में सभी 3 पदक विजेताओं के लिए विस्तारित किया जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? ए लखनऊ, बी भोपाल, सी रांची, डी वाराणसी। आंसर सी रांची। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल को रांची में किया जाएगा। इसका आयोजन 30 अप्रैल से 10 मई तक किया जाएगा। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और ओडिशा पुणे में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट लीग के पहले फेज में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये लीग देश में उभरते खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करेगी। अगला प्रश्न, शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ए स्वर्णभूमि संगीत अकादमी, बी संगीत नाटक अकादमी, सी आईफा, डी वैश्विक संगीत संस्थान। आंसर बी संगीत नाटक अकादमी। एक्सप्लेनेशन, संगीत नाटक अकादमी 9 से 17 अप्रैल तक देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन करेगा। शक्ति उत्सव का शुभारंभ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से शुरू हो रहा है। संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला की राष्ट्रीय अकादमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। अगला प्रश्न, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए मनोज पांडा, बी अमिताभ कांत, सी राजीव कुमार, डी राजमोहन सिन्हा। आंसर ए मनोज पांडा। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अभी तक आयोग में केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य ही थे। केंद्र ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए एरिजोना विश्वविद्यालय ओसिरिस रेक्स टीम, बी इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम, सी रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, डी नासा। आंसर बी इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम। एक्सप्लेनेशन, इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह 8 अप्रैल 2024 को कोलोराडो में अंतरिक्ष संगोष्ठी के वार्षिक उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। अगला प्रश्न, टी20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? ए हार्दिक पांड्या, बी ईशान किशन, सी केएल राहुल, डी सूर्य कुमार यादव। आंसर डी सूर्य कुमार यादव। एक्सप्लेनेशन, मुंबई में खेले गए आईपीएल 2024 के एक मैच में भारत के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव टी20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही वह विराट रोहित जैसे खिलाड़ियों के साथ एक विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। विराट कोहली 12,313 टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज है। अगला प्रश्न, जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है? ए महोबा उत्तर प्रदेश, बी मेरठ उत्तर प्रदेश, सी नीलगिरी तमिलनाडु, डी कुडालोर तमिलनाडु। आंसर सी नीलगिरी तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई भारत सरकार की हर घर नल जल योजना के तहत लोगों के घर तक नल से जल पहुंचाने में सबसे तेजी से देश में पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया है, तो यूपी के महोबा जनपद ने देश में दूसरा स्थान और प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इस योजना सबसे तेजी से यूपी में आगे बढ़ रहा है। देश के टॉप 10 जिलों में यूपी के बुंदेलखंड से 2 जिलों को स्थान मिला है। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए मनपम तमिलनाडु, बी चेन्नई तमिलनाडु, सी कोयम्बटूर तमिलनाडु, डी मदुरई तमिलनाडु। आंसर ए मनपम तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल ने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICJS मनपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। रुस्तमजी समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए आकाशदीप गोयल, बी विनय कुमार सिन्हा, सी तरुण बजाज, डी राजेश तनेजा। आंसर सी तरुण बजाज।
एक्सप्लेनेशन। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम यूएसआईएसपीएफ ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी तरुण बजाज ने राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। किस विषय में जेएनयू भारत में शीर्ष रैंक वाला विश्वविद्यालय बनकर उभरा? ए अर्थशास्त्र गणित कंप्यूटर विज्ञान, बी भूगोल इतिहास आधुनिक भाषाएं, सी इंजीनियरिंग चिकित्सा कानून, डी भौतिकी रसायन विज्ञान जीव विज्ञान। आंसर बी भूगोल इतिहास आधुनिक भाषाएं। एक्सप्लेनेशन भूगोल इतिहास आधुनिक भाषाएं राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध मानव विज्ञान अंग्रेजी भाषा और साहित्य और भाषा विज्ञान के विषयों में जेएनयू देश के शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 11 अप्रैल, बी 12 अप्रैल, सी 13 अप्रैल, डी 14 अप्रैल। आंसर बी 12 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गगारिन के सम्मान में मनाया जाता है। यूएन महासभा ने साल 2011 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गगारिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अगला प्रश्न, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए किर्गिस्तान, बी भारत, सी चीन, डी ईरान। आंसर ए किर्गिस्तान। एक्सप्लेनेशन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में भारत के उदित ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा में रजत पदक जीता, वहीं अभिमन्यु ने 70 किग्रा में भारत को दूसरा पदक दिलाया। अगला प्रश्न, KBIL ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए टाटा ग्रुप, बी टेक महिंद्रा, सी रिलायंस इंडस्ट्री, डी CSIR IMMT। आंसर डी CSIR IMMT। एक्सप्लेनेशन, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड KBIL ने महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR IMMT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। KBIL भारत सरकार के खान मंत्रालय के तत्वावधान में 3 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नाल्को, HCL और MECL की एक संयुक्त उपक्रम है। अगला प्रश्न, EVM के संदर्भ में VVPAT का क्या मतलब है? ए सत्यापित मतदान प्रक्रिया और जवाबदेही उपकरण, बी वोटर वेरिफाइड पेपर सटीकता ट्रैकर, सी वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, डी सत्यापित मतदाता पत्र ऑडिट ट्रेल। आंसर सी वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। एक्सप्लेनेशन, वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। एक VVAPAT मतदान मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली के रूप में लक्षित है, जिससे मतदाताओं को यह सत्यापित करने के लिए अनुमति दी जाती है कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया, संभावित चुनाव धोखाधड़ी या खराबी का पता लगा सके और संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का ऑडिट करने के लिए साधन प्रदान कर सके। विश्व क्वांटम दिवस पर किसका स्मरण किया जाता है? ए नील्स बोहर, बी मैक्स प्लैंक, सी वर्नर हाइजेनबर्ग, डी एल्बर्ट आइंस्टीन। आंसर बी मैक्स प्लैंक। एक्सप्लेनेशन, 14 अप्रैल 2024 को भारत ने विश्व क्वांटम दिवस मनाया, जो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता और सराहना बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल है। विश्व क्वांटम दिवस क्वांटम सिद्धांत के अग्रणी जर्मन भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने प्रकाश और ऊर्जा की क्वांटम प्रकृति को समझने के लिए आधार तैयार किया था। क्वांटम यांत्रिकी वह विज्ञान है जो परमाणुओं और कणों के व्यवहार को उजागर करता है, जो हमारे ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंड हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए अनुराग कुमार, बी आदेश कुमार पांडे, सी नमन ओझा, डी अभिषेक सिन्हा। आंसर ए अनुराग कुमार। एक्सप्लेनेशन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा जारी एक आदेश के तहत अनुराग कुमार IPS को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। CBI में संयुक्त निदेशक के पद पर अनुराग की नियुक्ति 5 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए यानी 24 फरवरी 2027 तक की गई है। अगला प्रश्न, संयुक्त सैन्य अभ्यास गस्लिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना बीच किया जा रहा है? ए मंगोलिया, बी ब्राजील, सी उज्बेकिस्तान, डी जर्मनी। आंसर
सी उज्बेकिस्तान। एक्सप्लेनेशन, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तले के 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टमेज में किया जा रहा है। ये भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसके पिछले संस्करण का आयोजन साल 2023 में पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया था। अगला प्रश्न, IMF के अप्रैल 2024 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित GDP विकास अनुमान क्या है? ए 6.2%, बी 6.4%, सी 6.5%, डी 6.8%। आंसर, डी 6.8%। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 16 अप्रैल 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया, जो इसके पिछले पूर्वानुमान 6.5% से अधिक है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? ए मुस्कान सिंह, बी शैलजा सिन्हा, सी दीपिका कुमारी, डी शीतल देवी। आंसर, डी शीतल देवी। एक्सप्लेनेशन, एशियाई पैरा खेलों की स्वर्ण विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वहीं हरियाणा की एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता। शीतल को इस साल की शुरुआत में हांगझो एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा? ए ऑस्ट्रेलियाई सरकार, बी न्यूजीलैंड सरकार, सी ब्रिटिश सरकार, डी कनाडाई सरकार। आंसर, सी ब्रिटिश सरकार। एक्सप्लेनेशन, ब्रिटिश सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा। इस विधेयक का उद्देश्य 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना अवैध बनाना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 में रजत पदक जीता? ए गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको, बी सई पाटिल और संजना फिलोचाको, सी लारिसा और संजना फिलोचाको, डी गुंजन अग्रवाल और साई पाटिल। आंसर, ए गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको। एक्सप्लेनेशन, भारतीय टीम ने 11 से 17 अप्रैल 2024 तक जॉर्जिया के स्काल्टुबो में आयोजित 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO 2024 में 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। गुड़गांव की गुंजन अग्रवाल और तिरुवनंतपुरम की संजना फिलोचाको ने रजत पदक जीते, जबकि हिसार की लारिसा और पुणे की साई पाटिल ने कांस्य पदक जीते। सभी 4 प्रतियोगियों ने EGMO में पदक हासिल किए। अगला प्रश्न, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? AIIT दिल्ली, BIIT मद्रास, CIIT वाराणसी, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। आंसर, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। एक्सप्लेनेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIIE ने अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अयोध्या में सूर्य तिलक कार्यक्रम में प्रयोग हुए ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम को CBRI ने और डिवाइस का निर्माण ऑप्टिक्स बेंगलोर ने किया। अगला प्रश्न, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए दुबई, बी नई दिल्ली, सी अबू धाबी, डी ढाका। आंसर, सी अबू धाबी। एक्सप्लेनेशन, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन खाड़ी शहर अबू धाबी में किया जा रहा है। इसका आयोजन वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 16 अप्रैल, बी 17 अप्रैल, सी 18 अप्रैल, डी 19 अप्रैल। आंसर, सी 18 अप्रैल। एक्सप्लेनेशन, सांस्कृतिक विरासत के सम्मान और सुरक्षा करने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ICOMOS ने 1982 में इस दिवस की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने साल 1983 में इस दिवस को मंजूरी दी थी। इस वर्ष विश्व विरासत दिवस का थीम विविधता की खोज करें और अनुभव करें, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी है। हाल ही में केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। आंसर, ए मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP को लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है।
जीसीपी ने पिछले दो महीनों में 10 राज्यों में 4,980 हेक्टेयर को कवर करते हुए 500 से अधिक भूमि पार्सल में वृक्षारोपण को मंजूरी दी है। जीसीपी का लक्ष्य गैर कार्बन पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना है जो स्थानीय मिट्टी, पानी और पारिस्थितिक तंत्र को लाभ पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, ये किस शहर से संबंधित है? ए कानपुर, बी पटना, सी लखनऊ, डी वाराणसी। आंसर डी वाराणसी। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में वाराणसी की तिरंगी बर्फी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही वाराणसी के एक अन्य उत्पाद धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अभी तक बनारस क्षेत्र से कुल 34 उत्पादों और उत्तर प्रदेश के 75 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। तमिलनाडु 58 जीआई उत्पादों के साथ दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न। हिंदुस्तान जिन वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। आंसर सी तीसरे। एक्सप्लेनेशन, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। पिछले साल कंपनी चांदी प्रोडक्शन में चौथे स्थान पर थी। चांदी वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल है। अगला प्रश्न। आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? ए डेविड वॉर्नर, बी रोहित शर्मा, सी जोस बटलर, डी विराट कोहली। आंसर डी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। एमएस धोनी आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। इस लिस्ट में दिनेश कार्तिक 249 मैचों के साथ तीसरे स्थान पर है। रोहित आईपीएल के 250 मैचों की 245 पारियों में 6,508 रन बना चुके हैं। अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए आर हरि कुमार, बी आर के धवन, सी दिनेश कुमार त्रिपाठी, डी करमबीर सिंह। आंसर सी दिनेश कुमार त्रिपाठी। एक्सप्लेनेशन, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 अप्रैल 2024 को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सेवा से रिटायर होने वाले हैं। त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। हाल ही में महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। आंसर ए महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, महिंद्रा ने महाराष्ट्र में 150 मेगावाट की हाइब्रिड सौर और पवन ऊर्जा परियोजना में 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य 460 मिलियन के WH स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना है। ये पहल महिंद्रा सस्टेन के हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है, जो 420,000 टन CO2 उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। ये परियोजना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सहस्थित हाइब्रिड पहलों में से एक है। अगला प्रश्न। स्काईट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला? ए दुबई हवाई अड्डा, बी हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, सी चांदी हवाई अड्डा सिंगापुर, डी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली। आंसर बी हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। एक्सप्लेनेशन, दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम किया। हमाद एयरपोर्ट ने 12 बार के चैंपियन सिंगापुर चांदी हवाई अड्डे को पछाड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया। साथ ही लगातार दूसरी बार खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी जीता। भारत का दिल्ली एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट लिस्ट में 36वें नंबर पर रहा। अगला प्रश्न। इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी के फटने से वहां के लोगों को निकाला गया? ए माउंट अगुन, बी माउंट रीजनी, सी रुआंग ज्वालामुखी, डी माउंट मेरापी। आंसर सी रुआंग ज्वालामुखी। एक्सप्लेनेशन, इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी प्रांत में मौजूद रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। राख और धुआं 19 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच गया। सुनामी की आशंका पैदा हो गई। 800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अगला प्रश्न। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए AR रहमान, बी श्रेया घोषाल, सी अलका याग्निक, डी अमिताभ बच्चन। आंसर डी अमिताभ बच्चन। एक्सप्लेनेशन, हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन को इस साल होने वाले तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
इस पुरस्कार की घोषणा 16 अप्रैल 2024 को मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और मंगेशकर परिवार द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की गई। मंगेशकर परिवार ने लता मंगेशकर की याद में वर्ष 2022 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ए शिखर धवन, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा, डी एमएस धोनी। आंसर सी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन, रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच के दौरान रोहित ने टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल की। मौजूदा सूची में क्रिस गेल शीर्ष पर हैं, जबकि किरण पोलार्ड 607 मैचों में 807 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी टी20 क्रिकेट विश्व कप में किन दो टीमों का स्पॉन्सर बना है? ए स्कॉटलैंड और आयरलैंड, बी यूएसए और बांग्लादेश, सी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, डी नेपाल और श्रीलंका। आंसर ए स्कॉटलैंड और आयरलैंड। एक्सप्लेनेशन, भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी टी20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड की नेशनल क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF नंदिनी ब्रांड के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की सह मेजबानी में 1 से 29 जून तक आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? ए राजकोट, बी सूरत, सी गांधीनगर, डी पूर्व अहमदाबाद। आंसर बी सूरत। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा चुनाव 2024 में गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया है। अन्य सभी दावेदारों द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। कांग्रेस के दो उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने और 8 अन्य उम्मीदवारों के अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद दलाल को विजेता घोषित किया गया। अगला प्रश्न, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी नीदरलैंड, डी स्विट्जरलैंड। आंसर सी नीदरलैंड। एक्सप्लेनेशन, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने नीदरलैंड के रोटरडैम में आयोजित विश्व ऊर्जा कांग्रेस वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस के 26वें संस्करण में भाग लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी मलेशिया, डी चीन। आंसर डी चीन। एक्सप्लेनेशन, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन के शंघाई में किया जा रहा है। तरुण दीप राय, धीरज बोम्मदेवरा और प्रवीण जाधव की भारतीय तिकड़ी ने पुरुष विकप फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं ज्योति सुरेखा वेन्नम स्टेज 1 में महिलाओं की कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रही। अगला प्रश्न, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन है? ए भारत, बी फ्रांस, सी यूएसए, डी चीन। आंसर ए भारत। एक्सप्लेनेशन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार साल 2023 में $83.6 अरब के सैन्य खर्च के साथ भारत दुनिया में रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला चौथा देश था। सिप्री के नवीनतम डेटा के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस दुनिया में सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 3 देश थे। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन 2023 में 8वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया।